हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैंने आज ही उसे फिर से एक कुर्ता सेट ऑर्डर किया है अपने लिए, एंड ये है फैसोर से, फैसा जो भी है, और इसमें मेरा साइज़ है 40 और ये पिंक कलर में है। एकदम बहुत ही सुंदर सा पिंक कलर जो होता है ना, वो वाला पिंक है। इसमें कुर्ता है, दुपट्टा है, एंड ये इसका बॉटम है। चलिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये कुर्ता कुछ ऐसा है। सबसे पहले देखिए इसकी नेकलाइन, कुछ ऐसी नेकलाइन है। थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी कहीं कहीं, बाकी पूरा सीक्वेंस जरी और मोतियों का काम है। और पूरे कुर्ते में छोटे छोटे फ्लावर का ये बंच बना हुआ है। देखिए और स्लीव्स एकदम प्लेन है, और हाँ स्लीव्स पे कोई लाइनिंग नहीं है, और बाकी कुर्ते पे लाइनिंग है। देखिए कुर्ते पे ये लाइनिंग है कॉटन की। बात करूँ मैं इसकी फैब्रिक की, फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। अभी तक मैंने जितने भी कुर्तों का रिव्यू किया था, उन सब में से सबसे ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये इसका MRP था 3699, ये मुझे पड़ा है सिर्फ 1049 रुपीज़ में। मतलब ये 1049 रुपीज़ के हिसाब से कुर्ता सेट बहुत अच्छा था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। पता नहीं क्यों इसका प्राइस इतना कम था, मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिला। और दूसरी बात, इसकी पैकेजिंग बहुत ही बुरी तरीके से आई थी। मतलब ये पूरा कुर्ता जैसे किसी ने लड्डू बना के मुझे पैक करके भेजा था, फोल्ड भी नहीं था अच्छे से। देखिए पूरे में रिंकल्स हैं, कितने बुरी तरीके से रिंकल्स हैं। मैंने जैसे इसको ओपन किया, मुझे सबसे पहले यही ख्याल आया कि मैं इसे रिटर्न करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ख़राब लगी। इस सूट बहुत ही ख़राब कंडीशन में आया था, पूरे में रिंकल्स हैं, बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी से नहीं दिख रहा था। पर जब मैंने इसको ओपन किया, इसका फैब्रिक छुआ और इसको ट्राई किया, तो सबसे ज़्यादा सुंदर लगा अभी तक के जितने भी सूट्स थे। और सबसे अच्छी बात है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी है। पीछे से पूरा प्लेन है, बाकी ये है इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। पता नहीं कौन सा फैब्रिक है, मुझे समझ भी नहीं आया, पर सॉफ्ट बहुत है। चलिए मैं इसको आपको बॉटम दिखाती हूँ। ये है इसका बॉटम, सेमी इलास्टिकेटेड है, फिटिंग बहुत अच्छी लगी मुझे इसकी। और सबसे अच्छी बात है इसमें पॉकेट है। अभी तक मैंने इतने एक्सपेंसिव सूट्स मंगवाए पर किसी में भी पॉकेट नहीं था, बट इसमें पॉकेट है, पॉकेट बहुत अच्छे हैं। और मतलब एक ही साइड पॉकेट है, और लेंथ भी बहुत अच्छी है, साइड से एक स्लिट है छोटा सा, फिटिंग बहुत अच्छी। और इसका फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट है, इस पर कोई लाइनिंग नहीं है, ज़रूरत भी नहीं लगी मुझे। अब चलिए इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दुपट्टा दिखाती हूँ मैं आपको। ये है इसका दुपट्टा, पूरे दुपट्टे पे यहाँ ये मोतियों का काम है, ये बाउंड्री पर, ये कुछ कट पैटर्न में है, बहुत ही सुंदर। और टू टोन में इसका दुपट्टा है, देखिए पिंक एंड ये स्काई ब्लू, बहुत ही सुंदर सा लग रहा था। पूरे दुपट्टे पे छोटी छोटी बूटियाँ भी बनी हुई हैं, ये देखिए कुछ ऐसा है, ऑर्गेंजा का दुपट्टा है। और हाँ इसकी विड्थ थोड़ी सी कम है, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होके बस यहाँ तक ही गया है, ये देखिए। देखिए कुछ ऐसा है, पर बहुत ही सुंदर लगा था। लेंथ इसकी प्रॉपर है, विड्थ बस थोड़ी सी कम है, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ऑर्गेन्जा का ज़्यादा लंबा दुपट्टा होगा तो कैरी करना में, विड्थ ज़्यादा होगी तो कैरी करना इजी अच्छा नहीं हो पाएगा इसको, तो मुझे परफेक्ट लगा। ओवरऑल सूट बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्राइस बहुत अच्छा है। और ये अब तो मैंने 1047 में मंगवाया था, पर अब इसका प्राइस जो है वो कम हो गया, 947 समथिंग हो गया, बट साइजेस थोड़े से कम हो गए हैं। मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने आजियो से लिया था, मैंने मिंत्रा पे भी इसे देखा था, और मिंत्रा पे काफ़ी एक्सपेंसिव था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आजियो पे इतना सस्ता क्यों है, बट फिर भी मैंने ऑर्डर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ट्राई ज़रूर करिएगा आप एक बार मेरे कहने पर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाय बाय।